हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में पूरा वन मंथ हम टूर करने वाले हैं। बकरे की कुर्बानी जो हुई थी वो बकरा, और ये मैं और एंजल थे, और ये है मेरा भाई। उसकी गाड़ी की मैं टायर में हवा कम हो गई तो फिर उसे फील कर रहा था, तो ये सारी हम देखेंगे। फिलहाल मैं दिल्ली, दिल्ली से पहुँच गई मुजफ्फरपुर, इतनी जल्दी नहीं पहुँची थी। पहले मुजफ्फरपुर में हम क्यों गए थे, तो वहाँ गए थे, मेरे कुछ कार्ड्स वगैरह नहीं बने थे तो उस कार्ड को कम्प्लीट करवाने के लिए। और मैं यहाँ टोटल 2.5 हफ्ते रही और मैंने जाना कि गाँव के लोग कैसे रहते हैं, और ये है गांव बागान हमारा। उसके बाद हम 2.5 वीक के बाद मधुबनी पहुंच गए थे। मधुबनी मेरे छोटे अंकल आए थे लेने के लिए, तो मैं उन्हीं के यहाँ रुकी थी। ये मम्मी और ये है आबू, तो ये उनका घर है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 5-6 बिल्डिंग टोटल, 6-7 बिल्डिंग है टोटल, और ये 7 तो हमारे अंकल पापा चाचा की है। तो यहाँ आप कहीं खा लो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है वाइट वाला मम्मी का घर, बाकी सारे बड़े पापा, मझले पापा, चाचा, ऐसे घर है। तो यहीं मैं रुकी थी। और यहाँ आने के बाद मैंने नानी को प्रॉमिस किया था, पहली प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन आपके घर आऊँगी। नानी का घर भी पास में, ये मतलब 1.5 घंटे का रास्ता है। तो फिर मैं नानी के घर से ले गई थी, वहाँ गई तो वहाँ भी आम का टाइम था, तो आम तोड़ तोड़ के आए हुए थे। तो वही नानी अभी रख रही हैं और एंजल परेशान कर रही है नानी को, फेंक रही है बार बार। तो यहाँ पे हम बहुत एक दिन हम रहे, बट बहुत मज़ा आया था। फिर हम सामने सोच रहे थे कि हम आ जाएं, बट नाना ने मना करा था कि नहीं जाना, बिकॉज रास्ता ना जंगल जंगल करके जाता है, तो इसलिए उन्होंने मना करा। ये मेरे नाना जी हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड हैं अब तो। अब ये कुछ दिन गाँव में रहते हैं और कुछ दिन जब खेती वगैरह होती है तो गाँव आ जाते हैं, वरना अदरवाइज़ दिल्ली में रहते, जैसे अभी दिल्ली में ही है। तो उसके बाद फिर हम मधुबनी चले गए थे सुबह सुबह। और यहाँ आने के बाद पता नहीं चला, क्योंकि टायर्ड हो गए थे, हम सो गए थे, फिर उठे, फिर बात बात करी थी, पता नहीं चला रात तो होने वाली थी। तो फिर मुझे याद है कि मुझे एक काम था, मुझे गोल्ड का एक मेरी बहन का गले का सेट है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो बनवाना था। मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये है, इसको जुगनू कहते हैं, जो कि पटना का ये है। तो ये हमारी तरफ नहीं बनता, तो मैं गई थी वो लाने पर मिला नहीं, तो मैंने फिर बैंगल ले लिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर हमें निकलना था मुझे और मेरी छोटी बहन को, तो हम निकल गए थे सुबह ही। और ये MMC मतलब मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये फयाज अंकल का है। फयाज अंकल को आपको बताऊँ कैसे पहचानोगे, ये है राज्यसभा के मेंबर, और ये पापा की अच्छी इनकी पापा की और इनकी अच्छी बंदी थी, बिकॉज ये दोनों क्लास फेलो थे एक कॉलेज में। एंड इनकी जो मुँह बोली बेटी थी, मुँह बोली नहीं, गोद ली होती है ना, इनकी जो भांजी थी ना, उनको अपने घर पाला था, बिकॉज उनके पास बेटी नहीं थी, तो वो उससे मेरी अच्छी बंदी थी, क्योंकि हम दोनों सेम कॉलेज में थे और हम दोनों की अच्छी बंदी थी। मैंने भाई को बोला था, ये भाई थोड़ा सा पीछे रोक ले, मैं थोड़ा सी मधुबनी मेडिकल कॉलेज का ना वीडियो बना लूँ, बिकॉज इस कॉलेज में ना आयरू का हाथ ठीक हुआ था, आजकल टूट गया था लास्ट से, लास्ट जब मैं गई थी तो, पर इसे नहीं रोका। उसके आगे जाके उसके टायर की हवा ही कम हो गई, फिर उसे रोकना पड़ा और उसने फिर टायर का एयर फिल करा, फिर हम आगे गए और हम 2.25 घंटे के अंदर में पहुंच गए थे अपने घर, मतलब मैं अपने घर पहुंच गई थी। फिर उसने राना को छोड़ा, फिर वो बैक टू होम आया, घर आया मधुबनी। तो ये फिर सुबह बकराई थी, तो मैंने ड्रेस पहना था, और ये आयरू, उसने ये ड्रेस पहना था, और उसके बाद हमने ये फ़ोटो खिंचवाई थी थोड़ी बहुत, वहाँ को सेलिब्रेट करने को था नहीं, तो हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाया। और ये था बकरे जिसकी कुर्बानी हुई थी, और कुर्बानी के टाइम में आयरू ने चेंज कर लिया था, बिकॉज कपड़ा गंदा हो जाता। फिर उसके बाद शाम में हम चले गए थे दरभंगा, और ये ड्रेस है जो मैं फिर पहन के वहाँ पे गई थी, दूसरा ड्रेस। फिर उसके बाद हम सुबह सुबह आ गए दिल्ली के लिए रवाना, फिर दिल्ली आए। फिर दिल्ली में आकर के हमें सुबह भूख लगी थी, तो हमने नाश्ता मंगवाया, कचौड़ी, छोले और हलवा। उसके बाद हमने वो बड़े मज़े से खाए, और उसके बाद घर इतना गंदा था, क्लीन करवाया पूरा उसको। उसके बाद जाते रिलैक्स, जाकर रिलैक्स हुए और बहुत अच्छा लगा, लगा कितने दिन से हम बाहर थे, पता नहीं बरसों के बाद हम आए हैं ऐसा लगा। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू